बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हैं? मेरे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी, आज मेरी वेट लॉस जर्नी, जो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों ने कहा है भाई तुमने कैसे वेट लॉस करी है, एक पूरी डिटेल्स में वीडियो बना के अपनी चैनल में डालो ताकि हम भी देखें। तो इस तरह से बहुत लोग ने मुझे रिक्वेस्ट करी है, जो लोग मुझे जानते हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। तो मैंने ये कोशिश करी है कि पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताऊं कि मैंने कैसे वेट लूज करी है कीटो डाइट की हेल्प से। ठीक है, कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगर मैं कर सकती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं शायद मुझसे ज़्यादा लेजी कोई नहीं है इस दुनिया में। अपने हेल्थ को लेके मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो दुनिया की कोई भी लेडीज़, कोई भी इंसान कर सकता है ये डाइट। क्योंकि ये डाइट में बहुत मज़े की चीज़ ये है, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी होती और ज़ीरो एक्सरसाइज। आप यकीन जानिए, मैंने एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं करी, ना इस कमरे से ना उस कमरे तक। मैंने दौड़ के भी या रन करके या वॉक करके कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कीटो डाइट में, इस डाइट में हमें लेना क्या क्या है। ठीक है, हम सारे वेजिटेबल ले सकते हैं, अंडा हम दिन में 4 से 6 अंडा ले सकते हैं, बटर ले सकते, घी ले सकते, क्रीम ले सकते, चीज़ ले सकते, सारी तरह की मटन, बीफ, फिर चिकन, फिश सब ले सकते। आप लोग को लग रहा होगा ना ये कैसा डाइट है कि घी बटर भी खा सकते हो आप, सारी तरह की ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं हम। ठीक है, बहुत मज़े की डाइट है ये और हर कोई कर सकता है। सिर्फ ये लोग उसको ना ट्राई करें जिनको पहले से ही कोई हेल्थ इशू है, सीरियस हेल्थ इशू है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, तो उनके लिए ये डाइट नहीं है। और कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम जिनको है, वो लोग पहले प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस डाइट पे आए। क्योंकि ये थोड़ी सी वैसे स्ट्रिक्ट डाइट है, ये ज़्यादा लंबे समय के लिए हमें नहीं करना होता है। बहुत ज़्यादा कर लिया ये डाइट तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीना, उसके बाद हमें नॉर्मल मूड पे आना होता है, नॉर्मल डाइट लेना होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये क्या डाइट क्या ले 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 सकते हैं। अभी मैं ये दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी हमें क्या नहीं लेना है इस डाइट में। ठीक है, इस डाइट में कोई चीटिंग डे नहीं होती, चीट डे नहीं होती है। नहीं खाना है तो नहीं खाना है, क्योंकि हम एक कीटोजेनिक मूड पे जाते हैं, और एक दिन भी हमने अगर चीट कर लिया तो हमारा पूरा जो किया कराया है उस पर पानी फेर जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने जैसे किया है ना, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए, और ये ऑयल है, ये MCT कोकोनट ऑयल है, जिसमें MCT वाली वाट आपको मेंशन मिलेगा, वही कोकोनट ऑयल यूज़ होती है। मैं लेटर ऑन बता दूंगी और इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी कि कौन सी ऑयल लेना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें लेनी होती है। तो मैंने थोड़ी शॉपिंग कर ली थी आप लोगों को डिटेल्स में दिखाने के लिए, कि ताकि आप लोगों को पता चले। सारे ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन, घी, मतलब सब कुछ ले सकते हैं आप। और जो चीज़ नहीं ले सकते हैं वो आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैं ये वीडियो डिटेल्स में बनाऊंगी, इसीलिए Part 1 और पार्ट के हिसाब से बनाऊंगी। ये मेरा Part 2 Part 1 वीडियो है जो बिगिनर्स है उनके लिए, ताकि मुझे आसानी हो आप लोग को समझाने। ये देखिए, ये है MCT ऑयल। ठीक है, जो ऑनलाइन आपको अमेजोन में मिल जाएगी बहुत आराम से, या तो कारफोर में भी मिल जाती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ये ऑयल हमें सुबह जो हम कॉफ़ी बनाते हैं ना उस पे यूज़ होती है। अब जो वीडियो पिक्चर आ रही है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना है। हम किसी भी तरह की रोटी, चावल, पास्ता, दाल नहीं ले सकते, किसी भी तरह की कार्बोहाइड्रेट, मीठा, सारी तरह की मीठा, आइसक्रीम, केक, नो, नेवर, नहीं ले सकते, मतलब नहीं ले सकते। इसीलिए सब मैंने जैसे इस डाइट को मैंने मेंटेन करी है शुरू में ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें छोड़ना। मतलब डाइट सोचते दिमाग में ये आता है ना यार, डाइट मतलब बहुत ही बोरिंग चीज़ है, पर इस डाइट में ऐसा कुछ नहीं है। हमें टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। ठीक है, हम नॉर्मली घर के लोगों के लिए जो कोरमा बना रहे हैं, सालन बना रहे, वही चीज़ हम खा सकते हैं, बस सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। ठीक है,
तो सबसे पहले आज की फर्स्ट डे है मेरी डाइट, मैंने छोड़ दिया था, मैंने कंटिन्यू 2 महीना करके छोड़ा हुआ था। यकीन जानिए मैंने ये पहले मैं बता दूँ, ये देखिए एप्पल साइडर विनेगर है विथ मदर लिखा हुआ होता है, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कीटो डाइट में ये लीजिए। या तो जिन लोगों को नींबू पानी की आदत है, गुनगुना 1 कप गर्म पानी में थोड़ी सी नींबू का रस लेके सुबह उठ के नहार मुँह, ठीक है ना, एम्प्टी स्टमक में ये लेती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच डाल के ले लिया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ठीक है, जैसे 10 मिनट बाद या आधा घंटे के बाद जब भी आप उठे ये ले लीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं लेना है नहीं भी ले सकते, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी पूरी आज की रूटीन में आप लोगों से शेयर करूंगी कि आज से मैंने अगर कीटो डाइट शुरू किया है तो मैंने ब्रेकफास्ट क्या लेना है, लंच क्या लेना है, डिनर क्या लेना है, स्नैक टाइम में क्या लूंगी, ये सब। ये देखिए ब्रेकफास्ट में मैंने क्या ले रही हूँ, मैं ऑमलेट बनाऊंगी। और ऑमलेट आप ध्यान रखिए, आप कितने भी अंडे के बना सकती है, मतलब हैवी सा, जिनको बहुत हैवी नाश्ता करने की आदत है, ठीक है ना। मैं 2 अंडे की कर रही हूँ, मैंने 1 प्याज ले लिया। हर जो भी वेजिटेबल आपके घर पे अवेलेबल है वो सारे वेजिटेबल डाल सकते हैं आप, और वेजिटेबल डाल के एक बड़ी सी जो है ना रोटी टाइप की, पराठा टाइप की एक अंडा बनाऊंगी, ठीक है, ऑमलेट बनाऊंगी ये देखिए। और इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, नेचुरल सॉल्ट होती है हिमालयन पिंक सॉल्ट, वो यूज़ होता है, मैं इसमें डालूंगी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है, ये लेना होता है इसमें। और ये डाइट कोई भी कर सकता है, कोई भी। तो ये डाइट, ये देखिए, ये इस तरह की सॉल्ट होती है, मैंने पैकेट में लिया था, फिर पैकेट को इस डब्बे में करके रख दिया था, ये देखिए ये नेचुरल सॉल्ट होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेनिफिट करता, बेनिफिट देता है ये, तो ये बहुत ज़रूरी है इस डाइट में आप लोगों को। ये डाइट करने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ा ले लेना होता है, खरीद लेना होता है, और फ्रिज में हमेशा आपकी जैसे ग्रीन वेजिटेबल हो, अंडा हो, चीज़ हो, इस तरह की चाहिए होता है, ठीक है ना। मज़े की डाइट, चीज़, बटर, घी, ये सब खा के हम डाइट करेंगे, और यकीनन मिरेकल वर्क करता है ये डाइट, मतलब मैं कर सकती हूँ तो दुनिया की कोई भी लेडी कर सकती है ये डाइट, ठीक है। ये देखिए मैं अंडा बना रही हूँ, बनाते बनाते आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसे ये शुरू किया है। सबसे पहले तो आप माइंड बना लीजिए कि बस इनफ हो गया, कल से करूंगी, कल से करूंगी, कल से करूंगी, वो नहीं, आज बस कल आ जाना चाहिए। कल हमारे साथ यही होता है ना कि हम कल से करेंगे, कल से करेंगे, ऐसे होता है, तो वो कल नहीं आता है कभी हमारा। तो ये होता है ना कि चलिए ये डाइट शुरू करते हैं, तो ये होता है कि सबसे पहले आप, जैसे आपने आप डिटरमाइन हो गए कि आपको कल से डाइट करनी है, तो सबसे पहले आपको वेइंग मशीन में चढ़ के अपना वजन लिख के रखना है कि इस वजन से मैंने ये डाइट शुरू किया है, ठीक है। और सबसे पहले बात यह है, ये डाइट लंबे समय के लिए तो करनी होती नहीं है, तो शॉर्ट पीरियड बनाइए। मैंने पहले 15 दिन का बनाया, ठीक है, सिर्फ 15 दिन का करूंगी, करके देखूंगी। इतना सुना है इस डाइट के बारे में, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जाओ खल्ली बल्ली, ऐसा था, ठीक है। तो 15 दिन के लिए मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ये डाइट को। तो मैंने क्या किया, पहले तो स्केल पे खड़े हो जाइए, आप वेट देख लीजिए, उसके बाद कोई आपकी बहुत ही टाइट ड्रेस हो, ठीक है ना, उसको ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद उसको रख दीजिए। 1 हफ्ते के बाद फिर आपको वो ड्रेस ट्राई करना है। आप यकीन जानिए, अगर वो ड्रेस आपको थोड़ी सी भी ढीली नहीं हुई तो बताइएगा। तो ये डाइट इस तरह से मिरेकल वर्क करता है, मिरेकल वर्क करता है। और इस डाइट में हमें 80% फैट्स लेना होता है, 80% याद रहे, ठीक है, और 15% हमें प्रोटीन लेना होता है, और 5% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ना की बराबर है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना हमें, जो वेजिटेबल में ही है ना, 5% उसी में मिल जाता है, तो ये लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये अंडा बना लिया है अपने लिए, उसके साथ एक बुलेट प्रूफ कॉफी आती है जो इस डाइट में लेनी होती है, ठीक है। ये मैं बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कॉफी कैसे बनाते हैं। इस पे चाय भी आप ले सकते हैं, बट दूध नहीं यूज करेंगे, दूध में कार्बोहाइड्रेट होती है। देखिए कॉफी, ठीक है, 1 चम्मच कोई सा भी जो आपकी ब्रांड की कॉफी समझ आती है, कॉफी ले लिया। ये देखिए 1 चम्मच ये एमसीटी ऑयल है मेरे पास, वो लूंगी, और व्हिपिंग क्रीम। अब लग रहा है ना मजेदार, क्रीम, कॉफी और क्रीम। आप ये मैं कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है, जो बिगिनर है जो शुरू में कर रहे हैं ना, वो लोग क्रीम को फेंट के व्हिप करके इसमें 3 चम्मच के करीब आप ले सकते हो,
ठीक है। और इसमें शुगर बिल्कुल नहीं आप लोगों को लेना है, और जिन लोगों को बिना शुगर की सुबह की चाय, सुबह की कॉफ़ी बिल्कुल ही हजम नहीं होती, एक चम्मच शुगर चाहिए ही चाहिए होता है, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगी। आप इस कॉफ़ी में ये देखिए, मैंने घी एक चम्मच घी, मैं बता दूं, एक चम्मच घी, एक चम्मच MCT ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, MCT ऑयल वाला, ठीक है, वो एक चम्मच घी और एक चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड करी है। आप चाहे तो क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये ऐड करके इसको मिक्स कर दिया, बस मेरी बुलेट प्रूफ कॉफ़ी तैयार हो गई। ये अंडा, ये ऑमलेट और ये कॉफ़ी मेरी ब्रेकफास्ट है। यकीन जानिए ये लेने के बाद आपको इतना ज़्यादा हैवी लगेगा, फिर आपको और कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सीधा आपको लंच लेना है, 1 बजे या 2 बजे के अंदर आपको लंच ले लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी ब्रेकफास्ट रेडी हो गई। और मैं अभी यहाँ बता दूँ आप लोगों को, जिन लोगों को शुगर लेना ही लेना होता है बिना स्वीटनेस की, वो लोग बिल्कुल चाय कॉफ़ी सिप नहीं ले सकते, उनके लिए ये है, ये स्टीविया ले सकते हैं, ये कीटो फ्रेंडली है, कीटो डाइट में ये ले सकते हैं आप। स्टीविया कहीं भी मिल जाती है, नेचुरल शुगर है ये, ठीक है, ये ले सकते हैं आप। एक पाउच जो है, आधा पाउच या एक पाउच करके आप ले सकते। मैं नहीं लेती हूँ, मैंने ऐसे लेके रखा था ताकि आप लोगों को दिखा दूँ। मुझे पिछले 4-5 साल से मैं विदाउट शुगर चाय या कॉफ़ी दोनों ही लेती हूँ, तो मुझे आदत है, ठीक है। जिन लोग नहीं ले सकते ये लोग ये स्टीविया यूज़ कर सकते, उस पर भी वही मिठास आ जाती है, ठीक है। ये हो गई, तो ये मेरी ब्रेकफास्ट हो गई, मैंने कर लेती हूँ क्योंकि आज मेरा पहला डे है। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, ये डाइट शुरू करने से पहले आप लोगों को पहले अपना वजन देखना है, फिर कोई सा भी एक टाइट कपड़ा, जो आपका ड्रेस, जो आप लोगों का ड्रीम है कि इसमें फिट होना है मुझे, वो पहन के देख लीजिए। और ठीक 1 हफ्ते के बाद आप लोगों को उसी ड्रेस को ट्राई करना है और देखिएगा आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। ये डाइट से मेरे हस्बैंड ने भी अच्छा खासा वेट लूज करी है, 10 से 12 किलो उन्होंने लूज करी है, और मेरी सिस्टर ने 20 किलो लूज करी है, और मेरी जो नंद है उनकी बेटी ने भी ऐसे ही 8 से 10 किलो लूज करी है। तो हमारी फैमिली में ही 4 लोग हैं जो इस डाइट की वजह से इतनी ज़्यादा वेट लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये देखिए, ये मैंने दिखाया, वो मैंने दोपहर को लिया था, सॉरी कि मैं बातों में लग गई, दोपहर को लिया था मैंने। कुकिंग करते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि अपकमिंग वीडियो में मैं सारी डिटेल्स में दिखाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ये हो गया 5 बजे का मेरा जो स्नैक टाइम है, इसमें मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, और ये है मूंगफली जो होती है ना, पीनट, सॉल्टेड पीनट, वो पैकेट में मिलता है, वो ही वाला ले लिया। आप पीनट की जगह कैशू नट ले लीजिए, कोई सा भी नट ले लीजिए, बस शाम के टाइम पे इतनी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको नट्स ही लेना है कोई तरह की, 1 कप चाय के साथ, ठीक है। और नट्स भी बहुत हैवी होता है, ये लेने के बाद आपको भूख नहीं लगती। ये 5 बजे का टाइम है, मैं ये नट्स के साथ, पीनट के साथ ये 1 कप कॉफी चाय ले रही हूँ, ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी ले रही हूँ। और ये हो गया मेरा डिनर। डिनर मैंने बनाते हुए नहीं दिखाया, ये मैंने दोपहर को लिया था, फिश के साथ वेजिटेबल लिया था। और डिनर में मैं देखिए, मैंने ब्रोकली और ये कैप्सिकम और एक आधा एवोकाडो था, और ये मैंने चिकन कर लिया था ग्रिल टाइप का। तो ये है मेरा डिनर। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, किसी भी तरह की कार्ब नहीं लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लिए इतना समझ में आ गया होगा। मैं अपकमिंग वीडियो में, कल मैं दूसरा इसका पार्ट आप लोगों को लेके आऊंगी आप लोगों के सामने, ऐसे करके पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये जल्दी से एक रिकैप देख लेते हैं आज की मेरी पूरी दिन की जो मैंने डाइट लिया है, ठीक है। और आप लोगों को अगर जरा सा भी अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो से, जरा से भी आपको लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप लोग को और डिटेल्स में चाहिए ये कीटो डाइट के बारे में। और कल की मेरी वीडियो होगी पार्ट 2, उसमें और डिटेल्स में मैं लाऊंगी इस डाइट को, ठीक है। और तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी, टेक केयर,